मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लास. टुडेज टॉपिक इज डेसिमल्स फॉर ग्रेड 7 एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द एक्सरसाइज 3D अगेन. सो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड. सो हियर आपको दोनों नंबर्स डेसिमल में दे रखे हैं, आपका डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों ही डेसिमल में दे रखे हैं. 3.28 डिवाइडेड बाय 0.8. अब सबसे पहले क्या करना है, हमें ये पता है कि सिंबल क्या होता है डिवाइड का, इस तरह से लिखना है. ठीक है, 3.28 डिवाइडेड बाय 0.8. अब इसको डेसिमल्स कैंसिल कर दो. फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डेसिमल कैंसिल करने हैं. इसका 328 ओवर 100 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या है, टू नंबर्स है. यहां पर डिवाइडेड बाय 8/10 हो जाएगा. अब आपको ये पता है आपका जो राइट हैंड साइड में नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, ये हमने फ्रैक्शंस में सीखा है. तो हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया. रेसिप्रोकल ऑफ 8/10 क्या हो जाएगा, 10/8. तो 328/100 मल्टीप्लाई बाय 10/8. अब जीरोस के साथ डिनोमिनेटर की जीरो न्यूमिनेटर की जीरो कैंसिल हो गई. ठीक है, उसके बाद आपने ये 328 एंड 8 को आपस में कट कर दिया 8 की टेबल से. 8 1 8, 8 4 32 और 8 1 8 अगेन. तो 41/10 है. फिर इसको डेसिमल में लिख रही है क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास 10 है. तो आपके पास आंसर क्या आया, 4.1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का पार्ट टू. 0.88 डिवाइडेड बाय 0.9. अब जीरो दोनों ही जो हैं डिविडेंड एंड डिवाइजर जो है दोनों आपके क्या है, डेसिमल्स में है. ठीक है, फिर सेम मेथड, इसका डेसिमल कैंसिल करिए दोनों का ही. यहाँ पर आ गया 288/1000, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या थे, थ्री नंबर से, इसलिए हमने 1000 बना दिया, थ्री जीरोस लगा दी. इसी तरह से डेसिमल के बाद वन नंबर है तो यहाँ पर क्या लिखा, 9/10. अब ये राइट हैंड साइड वाले का रेसिप्रोकल ले लिया, क्या आया, 10/9, 288/1000 मल्टीप्लाई बाय 10/9. अब 1000 की 10, 10 की 10 से कैंसिल हो गई, कट गई. उसके बाद 288 जो है 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 9 1 9, और ये पूरा 32 पर डिवाइड होता है 9 से. ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 32/100. तो 32/100 को फिर से हमने डेसिमल में कर दिया तो क्या आ जाएगा, 0.32, क्योंकि 20 थी डिनोमिनेटर में, मीन्स 2 नंबर से पहले आपका डेसिमल हो जाएगा. नाउ पार्ट 7 आपके पास है. क्वेश्चन 11.04 डिवाइडेड बाय 1.6. अब सेम सिमिलर वे में हमने क्या किया, दोनों का पहले डेसिमल कैंसिल कर दोगे, फिर आप रेसिप्रोकल ले लोगे. आपके पास क्या हो जाएगा, 1104/100 रेसिप्रोकल लिया तो क्या हो जाएगा, 10/16. ठीक है, देन 100 की 10 और 10 की 10 आपस में कट गई. अब ये 16 के टेबल में पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 1104. ये किसके होता है, 69 पर. जब आपने रफ वर्क में करके देखोगे तो ये पूरा पूरा 69 पर डिवाइड होता है. ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 69/10, क्योंकि ये 10 कैंसिल हो गई है. तो इसका जब हमने इसको डेसिमल फॉर्म में लिखा 69/10, दैट मीन्स 6.9 आ जाएगा. 69/10 था आंसर, तो यहाँ पर वन नंबर से पहले डेसिमल लग गया, आपके पास 6.9 आपके पास आंसर हो गया. नाउ लेट अस मूव टू 7 पार्ट 3. अब आपके पास नंबर दे रखा है 25.395 डिवाइडेड बाय 1.5. सेम डेसिमल कैंसिल करिए पहले, तो आपके पास 25,395/1000 हो जाएगा. और यहाँ पर 15/10, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 15/10. फिर से हमने रेसिप्रोकल ले लिया, यहाँ हो जाएगा 10/15. ठीक है, 25,395/1000 की 0 और 10 की 0 आपस में कैंसिल हो गई. अब हमने क्या करना है, 50 यहाँ पर 25,395 को 15 से डिवाइड कर दिया इस तरह से. ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है, 1693. एंड डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 100 है. तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, टू नंबर से पहले डेसिमल लगा जाओगे, 16.93 आपके पास आंसर आ जाएगा. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम सम्स.
Let us do question number 9. Question number 9 is 1.8 meter of cloth is required for a shirt. How many shirts can be made from a piece of cloth 45 meter long? अब आपको एक मीटर एक एक शर्ट के लिए क्लॉथ कितना चाहिए वो बताया हुआ है, प्लस आपके पास टोटल क्लॉथ बताया कि इतना क्लॉथ है, 45 मीटर क्लॉथ है, उससे कितनी शर्ट्स बन सकती है ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे पता लगेगा? इसको डिवाइड कर दोगे, 45 को डिवाइड कर दोगे जो 1 मीटर जो 1 शर्ट की लेंथ है उससे, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर शर्ट। तो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट आपके पास है 1.8 मीटर। नाउ अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ शर्ट्स फ्रॉम 45 मीटर क्लॉथ आपके पास हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 1.8। अब सेम आपने डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड यहां पर ले आओगे और इसका डेसिमल आपने कैंसिल किया तो आपके पास हो जाएगा 18/10, रेसिप्रोकल ले लेंगे हमारे पास हो जाएगा 10/18। ठीक है, अब सिमिलरली ये 10 और 18 आपस में कट गया तो कौन से टेबल पर गया, 2 पर डिवाइड किया, 2 5 10 है, 2 9 18, और फिर 9 और 45 को कट कर दिया, 9 1 9 9 5 45, तो 5 और 5 बच गए दोनों तरफ, तो 25 शर्ट्स आर रिक्वायर कैन मेड फ्रॉम 45 मीटर क्लॉथ। दिस इज द आंसर। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 11। इन क्वेश्चन नंबर 11 अ टिन होल्ड्स 16.5 लीटर ऑफ ऑयल, हाउ मेनी सच टिन्स आर रिक्वायर्ड विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड 478.5 लीटर्स ऑफ ऑयल। अब आपके पास एक टिन में कितना ऑयल है वो आपको बताया हुआ, 16.5 लीटर ऑयल एक टिन में आता है। उन्होंने पूछा क्या है, 478.5 लीटर के लिए कितने टिन्स चाहिए ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमने डिवाइड कर देना टोटल ऑयल को, हमने ऑयल इन वन टिन से डिवाइड कर देना। तो कैपेसिटी ऑफ वन टिन इज इक्वल टू 16.5 लीटर, टिन्स रिक्वायर्ड फॉर 478.5 लीटर ऑयल, दैट इज इसको डिवाइड कर दिया, फाइन डेसिमल कैंसिल करके आपके पास आ जाएगा 4785/10, और उसका दूसरे का रेसिप्रोकल लेके आपके पास आ जाएगा 10/165। आप दोनों का डेसिमल मतलब 10 के साथ 10 कैंसिल हो गया, डेसिमल कैंसिल हो गया, सिंपल आपके पास नंबर बच जाएंगे 4785/165। अब ये दोनों के दोनों नंबर्स आपने 15 से डिवाइड कर देने हैं, 15 की टेबल से ये दोनों के दोनों नंबर्स डिवाइड कर दोगे। जब आपने 15 से इसको डिवाइड किया तो आपके पास आ रहा है 319। ठीक है, और इसको 165 को 15 से किया तो आपके पास आएगा 11। ठीक है, नाउ 11 के टेबल में 319 जो है 29 पर आते हैं, 11 2 22। ठीक है, और आपके पास 99 बच जाएगा वहां पर रिमाइंडर में, तो 11 9 99, ये आपके पास 29 टिन्स आर देयर फॉर दिस ऑयल 478.5 लीटर ऑयल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल बी सेंडिंग यू होमवर्क आफ्टरवर्ड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।